का आपने अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र संगरिया के अंदर जितनी पंचायतें हैं उसके अंदर 60-70 पंचायतों के अंदर वाटर वर्क्स 20-25 साल पुराने बने हुए हैं, जर्जर हालत में हैं। मैं मांग करता हूं कि भी इसको जल जीवन मिशन योजना के अंदर जोड़कर इनका मेंटेनेंस कराया जाए। और मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर डाणियाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है और डाणियों को भी 30% के करीब डाणियाँ उनको भी इसके अंदर जोड़ा जाए, क्योंकि मंत्री महोदय हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी भी हैं। मैंने वहाँ भी मांग उठाई थी, जो डाणियों के अंदर हम कनेक्ट पाइपलाइन देना चाहते हैं तो हमारे को PHD विभाग एन ओ सी नहीं देता। 2001 की जो जनगणना के अंदर जो वाटर्स के डाणी चयन की थी बहुत कम डाणियाँ थी, अब डाणियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इन डाणियों को भी अंदर जोड़ा जाए। और मेरे संगरिया शहर के अंदर जो वाटर वर्क्स बना हुआ है, बहुत पुराना वाटर वर्क्स बना हुआ है, उसके लिए मैं मांग करता हूं भी 50,000 की वादी है, वहां नया वाटर वर्क्स बनाया जाए। और वहां चिपकी हुई ज़मीन सिंचाई विभाग की है, जो वहां एक कॉलोनी हुआ करती थी और SDO का ऑफिस हुआ करता था, आज वो ज़मीन खाली पड़ी है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ भी ज़मीन PHD विभाग को देकर वहाँ नया वाटर वर्क्स बनाया जाए। और वहाँ मेरे वार्ड नंबर 28 के अंदर संगरिया के अंदर एक टंकी बनी हुई थी, जो 2011 के अंदर बनाई गई थी, और जो लॉकडाउन लगा उस टाइम टंकी बिल्कुल नीचे गिर गई और 5-6 वार्ड है उसके अंदर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33 वार्ड उनके अंदर पानी की सप्लाई के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है। वो टंकी द्वारा बनाई जाए और जिस अधिकारियों ने उस टाइम टंकी बनाई थी उनके खिलाफ़ जाँच कर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मेरे गग्गर क्षेत्र के जो गाँव पड़ते हैं वो वहाँ वाटर वर्क्स जो सिंचाई का अपने नहरी का पानी नहीं मिल रहा उनको, वहाँ पहले ट्यूबवेल लगे हुए थे, ट्यूबवेलों का पानी वहाँ दिया जाता था और अब पानी का जो जल स्तर वो नीचे चला गया और पानी खारे हो गए, उनको भी नहरी पानी से जोड़ा जाए, वहाँ नए वाटर वर्क्स बनाए जाएँ। वो करीब 15 पंचायतें हैं, मिस्तावाड़ी, सूर्यवाड़ा, फतेहपुर, शेरगढ़, मानकसर, खोडावाली शेड़ और शेरगढ़, टिब्बी, तलवाड़ा, राठीगढ़ा, सलेमगढ़, मसानी, कमरानी, पीर का मड़िया, पन्नीवाला। उसके अलावा मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वाटर वर्क्स पंचायतों को सौंप रखे हैं, जो बिजली का बिल पंचायत भरती है, वहाँ जो पंचायतों के पास कोई निजी आया नहीं है, हर दिन उनके हर दो महीने कनेक्शन कट जाते हैं और हम एक्शन से SC से हाथ पैर जोड़कर उसको दोबारा कनेक्शन जुड़ाते हैं। उनका जो बिल है वो भी PHD विभाग भरे, ताकि पंचायत के पास कोई इनकम नहीं है और वहाँ उनको राहत मिल सके। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।